यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया है कि पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर हो सके। यद्यपि महंत अवैद्यनाथ जी महाराज का जन्म इसी भूमि पर हुआ था, यही विकास खंड है और इसी विकास खंड में ग्राम कांडी में ही उनका जन्म हुआ था, लेकिन 1940 के बाद उनको कभी इस धरती पर वापस आने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाया। उनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी लेकिन किन्हीं कारणों से वह कार्यक्रम टल जाता था। लेकिन वह अक्सर पूछते थे मुझसे कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम थांगर में हुई थी, उसके बाद वो पढ़ने के लिए चंपोटखाल चले गए थे। लेकिन माँ बाप और परिवार के सभी सदस्यों के असामयिक निधन के कारण बहुत छोटी उम्र में ही उनको घर छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन एक लंबे समय तक पूरे देश का भ्रमण करते करते, स्वाध्याय करते करते, अंततः वह गोरखपुर में उस समय के गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के संपर्क में आए और बाद में उन्होंने महंत दिग्विजयनाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और वहां से उन्होंने उसे अपना कर्म क्षेत्र गोरखपुर को बना करके वहां पर धर्म के प्रचार का, अध्यात्म के प्रचार का, शिक्षा स्वास्थ्य लोक कल्याण के उस अभियान के साथ भी जुड़े। पूरे देश के अंदर उनका भ्रमण होता था और उनकी इच्छा होती थी और इसीलिए उन्होंने मुझे 1996-97 में पूछा, कहा कि वहां के बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं। मैंने उनको बताया कि वहां पे कुछ जगह इंटर कॉलेज है लेकिन डिग्री कॉलेज कोटद्वार और इसी के बीच में कहीं नहीं है। उन्होंने कहा देखो अगर हो सके तो वहां एक डिग्री कॉलेज जरूर बनाना। और संजोग से उस समय यहाँ की कुछ लोगों के एक समिति मेरे पूज्य पिता के साथ उन्होंने संपर्क किया कि हम लोग एक डिग्री कॉलेज बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा जमीन कौन दे रहा है? उन्होंने कहा वहाँ पे जमीन हम लोगों ने ले ली है, तय कर लिए, उस जमीन को आप ले लीजिए, हम आपको जमीन दे रहे हैं, आप उस जमीन पे वो कर जो भी करना है करवा लीजिए। और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने 1996-97 में प्रारंभ किया। प्रारंभ में केवल यहाँ पर कुछ क्लासेस प्रारंभ हुई लेकिन बाद में मैंने उनसे कहा मैंने कहीं परमानेंट मान्यता लेने की व्यवस्था कर ली। उत्तराखंड सरकार में सरकारों में आवागमन, कभी सरकार आती थी कभी दूसरी सरकार आती थी, ये कार्यक्रम बाधित होता गया। लेकिन 2005 के बाद यहाँ पे नियमित कक्षाएं प्रारंभ हुई और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महाविद्यालय के लिए जो जमीन ली गई थी उसी जमीन में यहाँ की तहसील भी बनी है और तहसील के बाद महाविद्यालय भी यहाँ पर अब प्रारंभ हो चुका है। राजकीय महाविद्यालय के रूप में उत्तराखंड सरकार ने उसे मान्यता दी। पूरी जमीन, पूरी प्रॉपर्टी जो भी महाविद्यालय की थी उत्तराखंड सरकार के पास, उत्तराखंड सरकार अब उसको संचालित कर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री धामी जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को। आज उन्होंने यहाँ पर न केवल मानविकी से BA की कक्षाएं जो चलती हैं उसके लिए बल्कि साइंस के लिए भी यहाँ पर आज उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है। और मैं विश्वास करूँगा कि अगले सत्र से जब नया सत्र यहाँ पर अगली बार प्रारंभ होगा तो उसमें यहाँ पर साइंस की कक्षाएं भी इस क्षेत्र के बच्चों को यहीं पर पढ़ने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। आज पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी
जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा।